हमार विंध्य स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। नमस्कार, अपना पंच देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन पूजा के साथ। खबर मऊगंज से हवे, जहां के आजादी के अमृत महोत्सव माही बुधवार का सिविल लाइन अस्पताल मऊगंज में स्वास्थ्य मेला केर आयोजन की इनका जौने में करीब 1538 मरीजन का ही डॉक्टर और उनका टीम जांच और उपचार करें। एक साथ है हेल्थ आईडी पंजीयन और आयुष्मान भारत कार्ड घलाए पंजीयन करावा घा। तो जो मेरा मानना है, जो मऊगंज का स्वास्थ्य मेला था, तो हम काफ़ी हद तक सफल रहे हैं। हमने काफ़ी संख्या में उम्मीद से ज़्यादा मरीजों को स्वास्थ्य का लाभ पहुंचाया है, तो मेरी नज़र में तो काफ़ी सफल रहा। इसमें सभी हमारे स्वास्थ्य कर्मियों का, हमारे डॉक्टर्स का, रीवा से आए हुए जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का, उन सभी का भरपूर सहयोग रहा इस स्वास्थ्य मेले को सफल बनाने में। अभी तक जितने शिविर हुए जी, तो आप उसमें अपने आप को क्या पाते हैं? हम कहाँ पाते हैं? काफ़ी बेहतर स्थिति में हम, मुझे लगता है, जो काफ़ी सफल रहा। और बुलेटिन की अगली खबर रीवा जिला से है, जहां से मरिया थाना क्षेत्र के मध्यपुरा गांव में ही रेलवे ट्रैक में युवक के शव मिला, जिनकर पहचान सतीश कोल पिता स्वर्गीय राजकुमार कोल उम्र 22 वर्ष निवासी इटमा कोठार के तौर में भय, जो मध्यपुरा गांव में अपने मामा के यहां रहते रहे। बीती रात का ही रेलवे ट्रैक में जाए के अपन जान दे दी। वहीं चौराहटा थाना क्षेत्र के पुलिस शव के पंचनामा कराए के शव के पोस्टमार्टम खातिर एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजिन। कैसे घटना घटी है? कोई घर में विवाद? कोई विवाद नहीं है। कब की घटना है ये? कल रात की। कल रात की काहे से घटना घटी है? ट्रेन से। इसे कोई विवाद? कोई बातचीत? कोई बातचीत। अचानक ये घटना घटी है? अचानक से। अंधा मोड़ में थे, यहाँ बारात आने वाली, सुबह जानकारी में। भाई है, सग भाई है, छोटा भाई है। क्या करता है ये? डेल्टा टेक में ड्यूटी करते हैं। अच्छा, आप कहाँ, आप क्या करते हैं? भी करते हैं कॉन्ट्रैक्ट में। अच्छा, आप भी ड्यूटी करते हैं कॉन्ट्रैक्ट में। तो कल ड्यूटी नहीं गए थे क्या ये? कल नहीं ड्यूटी गए थे, कल घर में थे, बोले सुबह जाएंगे 6 बजे। अभी हम लोग दो भाई बस। रीवा जिला के चाकघाट पुलिस सीमेंट के काला कारोबार के भंडाफोड़ कई के 50 लाख रुपया के नकली सीमेंट का पकड़ीन और एकर धंधा करे वाले लोगों का घलाए पकड़ लीन। ट्रक में ही असली सीमेंट के उतार के नकली सीमेंट लोड करे वाले के यह खेल सौहे उतर पुलिस 3 आरोपी का गिरफ्तार करी नहीं भाई और ये मामला के जाँच शुरू करी नहीं भाई। हाँ, इसमें थाना प्रभारी चाकघाट को सूचना थी कि कुछ सीमेंट के जो ट्रांसपोर्टर हैं वो क्या है, कुछ गड़बड़ियाँ करते हैं और वो चोरी से एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में सीमेंट बदली करते हैं और गाड़ी कहीं और जानी होती है वो उसको कहीं और लेके चले जाते हैं। बिल्टी यहाँ के लिए बनती है, वहाँ ना करके किसी दूसरी जगह इसको उतार के और फिर इस पर दूसरी गाड़ी में लोड करके और उस गाड़ी को कहीं और लेके जाते हैं। उस पर से थाना प्रभारी के द्वारा अपनी टीम के साथ में ये सूचना मिलने पर इसकी तस्दीक की गई तो सही पाएगा, तो उन्होंने द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध करके मामले को विवेचना में लिया गया और 3 उसमें जो व्यक्ति थे उनको गिरफ्तार भी किया गया था। सिमरिया विधानसभा के क्षेत्र के गांव बीरखाम माही आगे लागे के कारण 20 एकड़ से अधिक के फसल के नुकसान बताई जा रहा है। नुकसान के कारण सही समय माही फायर ब्रिगेड की टीम न पहुंचे के कारण बताई जाती है। किसानन के मानव है कि कई एकड़ में लगी फसल के नुकसान भावे। वही घटना के जानकारी लगता है कई अठे नेता पहुंचे और फोटो खिंचवाए के चलते बने। ये बीरखाम गौतमान डोला में मैं प्रमोद शर्मा इस वक्त यहाँ पहुंचा था। मेरे को जानकारी सेमरिया में लगी कि यहाँ पर आग लगी हुई है। पिछले साल भी जब मैं आया था तो यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में आग लगी थी। ये जो फायर ब्रिगेड है ये पिछले जो है लगभग 20-25 साल पुराना है। इस पे मैंने देखा काम करते हुए, इसका प्रेशर इतना भी नहीं यहाँ से लेके ये 10 मीटर दूर तक पानी फेंक सके। मैं जो है इस बात के लिए कलेक्टर महोदय से ये विनम्र विनती करूंगा कि मेरे सेमरिया के अंदर में जिस प्रकार से आपके ये सिंगल जो है यहाँ पर आसपास में सिंगल ये है, ऐसे जो है गांव-गांव के अंदर में फायरबॉल की आवश्यकता है। जो मैंने आपसे साथ बैठ के आज से करीब 1.5 महीने पहले आपसे मैंने एक निर्णय लेने को कहा था कि हर गांव के अंदर फायरबॉल की व्यवस्था रखी जाए। 17 के कोटर थाना के बिहरा के खेत में ही आगे लग गए। भयानक आगे में काबू पावे गए फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आगे के चपेट में आए गए। अपने बता दें कि ये आगे माही खड़ी फसल और फायर ब्रिगेड के गाड़ी जल के राख हुई गई है। जोनी माही लाखन रुपया के नुकसान हो बतावा गा है। अरे नहीं, यह अलग आगे तो आगे।
सीधी जिला से है जहां प्रशासन के बुलडोजर लगातार चल रहा है। रामपुर नैकिन जनपद पंचायत के आवे वाले गांव चोड़गरी और नैकिन माही अवैध अतिक्रमण के कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई माही मकान का किराया दीन गे बतावा जाता है कि शासकीय जमीन माही अतिक्रमण करे रहे हम। सीधी जिला के रामपुर नैकिन तहसीलदार बताइन के आरोपी सरकारी जमीन में अतिक्रमण करे रहे। कई दर की नोटिस दे के बाद अतिक्रमण नहीं हटाए रहे, वहाँ यहाँ बुलडोजर चलाए के उनके मकान का किराया दीन गा है। बुलेटिन की अगली खबर सिगरौली से है जहाँ जिला के खुटार साप्ताहिक पशु बाजार में ही बाजार के ठेकेदार व्यापारी से पुलिस के नाम में एंट्री फीस के नाम में 1500 रुपया के अवैध वसूली कर रहे हम। एकर वीडियो घलाए सोशल मीडिया में वायरल भा। अपने बताए दी कि पुलिस के नाम पर ठेकेदार कई सालन से व्यापारी से अवैध वसूली कर रहे हम। आपने ये बताया है इसकी जाँच कराई जाएगी, ऐसा है। बुलेटिन की अगली खबर माऊगंज से है जहां पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन के चलाए जाए वाले अवैध नशा के खिलाफ अभियान में ही बड़ी सफलता मिली। माऊगंज एसडीओपी नवीन दुबे के मार्गदर्शन में ही विकास सिंह और थाना प्रभारी माऊगंज के पटेहरा तिराहा के आगे NH 135 रोड में ही दलबल के साथ घेराबंदी करके शिव कुमार पटेल पटेहरा के रहने वाले काही उनके बिना नंबर के अपाची मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार कर लिन। अपने को बताया गई कि आरोपी नशीली कप सिरप 300 cc, वहाँ विंसिरेक्स कप सिरप 58 cc, कुल 358 cc नशीली कप सिरप लेके जात रहे, जेकर कुल कीमत 51,380 रुपया की गई है। एक साथ है नशीली टैबलेट जेकर कीमत कुल 7,203 रुपया बताई जाती है। वहाँ कुल 1,48,583 रुपया के मसरूका का जब्त करी नहीं है। कल मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि थाना महूगंज अंतर्गत एक बाइक पे दो लोग नशीली कप सिरप और नशीली टैबलेट लेके क्षेत्र से जा रहे हैं। जैसे ही सूचना प्राप्त हुई तो थाना महूगंज के द्वारा तत्काल घेराबंदी की गई और घेराबंदी में एक अपाचे बाइक पे दो सवारों को घेरने की कोशिश की गई, जिसमें एक व्यक्ति वहाँ से मौके से फरार हो गया और एक व्यक्ति पकड़ा गया। और जो व्यक्ति पकड़ा गया उसका नाम शिव कुमार पटेल है और जो दूसरा व्यक्ति वहाँ से फरार हुआ है उसका नाम साजन मुसलमान है। और हाँ, जो ये निवासी है शिव कुमार, ये निवासी पटेहरा है। बुलेटिन की अगली खबर रीवा जिला के हलमना थाना के लगे टोल प्लाजा के आए जहां ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया। अपने बताई दी कि ये घटना में ही बड़ा हादसा हो सकत रहा जहां मौके में पुलिस कर्मी पहुंच के बचाव काम करी नहीं बे और JCB से राहत और बचाव के काम करें। ये घटना दुगौली माही महारानी मंदिर के नियरे के बताई जाती है जहां ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलटिगा। बुलेटिन की अगली खबर रीवा से है जहां शासकीय जमीन का ही गलत तरीका से छोट छोट टुकड़न में बेचे के आरोप माही कपिध्वज सिंह उर्फ भैया साहब और भरत शरण सिंह के ऊपर नगर पालिका अधिनियम के धारा 292 C मामला दर्ज किन गा है। ये जानकारी मिली कि बम्बा घाट के लगे घोघर कोठी के जमीन का बेचे के मामला 2021 में सौहे आबा रहा, पर नगर निगम शिकायत दर्ज करवावे माही हीला हवाली करत रहा। अब सब इंजीनियर दिलीप त्रिपाठी के शिकायत माही कोतवाली पुलिस ये लोगन के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करे। जिस तरह से पूरे प्रदेश में भूमाफिया के खिलाफ लगातार अभियान जारी है प्रशासन पुलिस के द्वारा, इसी क्रम में नगर निगम को एक विश्वकर्मा घाट है नदी फ्रंट के पास में रीवा में, वहाँ पर ये शिकायत प्राप्त होती कि एक भूमि का बिना अनुमति कराए विक्रय किया गया है। उसी क्रम में नगर निगम ने उसकी जांच की पूरी तरह से। जांच करने पर उन्होंने पाया कि इसमें आपराधिक कृत्य घटित हुआ है और उसकी उन्होंने सूचना थाना कोतवाली रीवा को दी। थाना प्रभारी के द्वारा प्रथम दृष्टया अपराध पाते हुए उन्हें पंजीबद्ध कर लिया गया और मामले को विवेचना में ले लिया गया है। इसमें जो विक्रेता है उनका नाम कपिध्वज है और जो भूमि उनकी थी उसके बाद उन्होंने उसको रोड डालकर और बिना अनुमति के उसमें कॉलोनी काट के उसका विक्रय किया है, ऐसी जानकारी नगर निगम के द्वारा प्रदान की गई है। उस पर से एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है। आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? और सर जी, इस मामले को विवेचना में लिया गया है और आय साक्ष्य अनुसार आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आज के बुलेटिन में इतने। बघेली में खबर देखा खातिर देखा तो मारविंद के बघेली समाचार। नमस्कार।